प्रभावी संवाद कौशल्य के लिए लोगों को समझना जरूरी है। हम हरदम क्या बोलते हैं कि नहीं मुझे है ना लोग समझते नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ लोग समझ के लेते नहीं, मुझे समझते नहीं लोग मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मुझे समझ तो लो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब इसके लिए पहले और क्या बोल रहे हैं, सामने वाला क्या बोल रहा है वो समझना जरूरी है। इसलिए किसी ने कहा है कि लाइक अंडरस्टैंड फर्स्ट देन टू बी अंडरस्टूड। एक टीचर है, वो टीचर ने अपने क्लास में सवाल पूछा, बच्चा बहुत होशियार था, उसको पूछा कि भाई मैं तुझे एक एप्पल दूँ और एक एप्पल दूँ और एक एप्पल दूँ तो तेरे पास में कितने एप्पल हो गए। लड़का बोले चार। टीचर बोले यार सुन ले तू मैं क्या बोल रही हूँ, फिर से मैं सवाल कर रही हूँ, मैं तुझे एक एप्पल दूँ और एक एप्पल दूँ और एक एप्पल दूँ कितने एप्पल तुम्हारे पास में हो गए। स्टूडेंट बोला चार। बोले क्या बदतमीजी कर रहा है, इतना सिंपल सवाल इसका जवाब नहीं दे पा रहा बराबर, मैं फिर से सवाल कर रही हूँ, मैं तुझे एक एप्पल दूँ और एक एप्पल दूँ और एक एप्पल दूँ तेरे पास में कितने एप्पल हो गए। बोले चार। बोले कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है। बोले ठीक है थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करके पूछ लेते हैं। तो वो टीचर ने वो बच्चे को पूछा कि भाई मैं तुझे एक संतरा दूँ और एक संतरा दूँ और एक संतरा दूँ तेरे पास में कितने संतरे हो गए। बोले तीन। बोले तो बराबर जवाब दे रहा है, इसको आता है मैथमेटिक्स। बोले फिर मैं पूछ रहा हूँ मैं तुझे एक एप्पल दूँ और एक एप्पल दूँ और एक एप्पल दूँ तेरे पास में कितने एप्पल हो गए। बोले चार। तो उसको एक झापट होगा, इतना सिंपल नहीं आता है तेरे को, तो ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर उसने बोला मैडम मेरे बैग में पहले से एक एप्पल पड़ा हुआ है तो मेरे पास में चार हो गए। हम क्या करते हैं, हम हमारे दिमाग से सोचते हैं सामने वाला क्या कर रहा है डील, या सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, सामने वाला क्या सोच रहा है, वो कौन से प्लेस पे खड़ा है, उसको समझ लेते नहीं है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सामने वाले को समझना जरूरी है, सामने वाला क्या बोल रहा है, वो क्या डील कर रहा है, उसको क्या चाहिए, वो यदि हम देखते हैं तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, प्रभावी संवाद कौशल्य हो जाता है। महात्मा गांधी के ज़माने में तो कोई सोशल मीडिया नहीं था, लोगों को कम्युनिकेट करने का कोई साधन नहीं था, मगर एक एक भाषण महात्मा गांधी का होता था तो हजारों लोग आते थे सुनने के लिए कि नहीं क्या बोल रहे हो। विवेकानंद की ऐसा वक्तृत्व था कि लोग सुनते रहते थे, दंग हो जाते थे। मगर सचिन तेंदुलकर अच्छा बैट्समैन था, मास्टर ब्लास्टर, भारत रत्न, मगर पुअर कैप्टन। क्यों? कैप्टन को कम्युनिकेशन अच्छा होना जरूरी है, लोगों को मैनेज करना पड़ता है, टीम को मैनेज करना पड़ता है, और वो कम्युनिकेशन उसके पास में नहीं था। हमारा संवाद अच्छा हो गया तो हम बहुत बड़े बन सकते हैं। देखो पॉलिटिकल लीडर्स, जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं बहुत अच्छे प्रभावी वक्ता है। अटल बिहारी वाजपेयी देखो बहुत प्रभावी वक्ता थे। तो जो प्रभावी भाषण करता है, स्फूर्ति के साथ में भाषण करता है, लोगों के मन की बात करता है, तो बहुत प्रभावी वक्ता होता है और वो आगे बढ़ता है जिंदगी में। हमको दो कान एक मुंह दिया हुआ है, इसका मतलब हमको डबल सुनना चाहिए जितना हम बोलते हैं उससे। एक बोलते तो दो सुनना चाहिए, मतलब डबल सुनना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ मुंह का इस्तेमाल सब हमने खाने के लिए और पीने के लिए करना चाहिए, ज़्यादा बोलना ही नहीं है। अच्छा, हम जो बोलते हैं वो सामने वाले को कैसा लैंड होता है उसके भी बहुत सारा डिपेंड है, क्योंकि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। देखो मैंने अभी कुछ बोला कि भाई ये बच्चा बहुत बदमाश है, अभी मैं बोला किसी को कि ये बच्चा बहुत बदमाश है, अभी उसको बदमाश शब्द का अर्थ मालूम नहीं होगा, तो उसके दिमाग में जो पहले से अर्थ बैठा हुआ है बदमाश का, तो उसके वो उससे उसके साथ में वो रिलेट करेगा और उसका अर्थ समझ लेगा, बदमाश मतलब जो भी होगा। हो सकता है कि जिसने पहले बदमाश सुना ही नहीं होगा, या उसका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो बोला बदमाश मंचल बहुत चंचल है। दूसरा एक होगा तो वो बोलेगा बदमाश मतलब उसके दिमाग में होगा बदमाश यानी बहुत गुंडा है, तो बोलेगा ये बदमाश बोले तो ये गुंडा बच्चा है। तो तीसरा आदमी वो सुनेगा ये बच्चा बहुत बदमाश है तो बोलेगा यार ये जो बच्चा है ये बदमाश है मतलब मवाली है। तो क्या होता है, हम जब बोलते हैं तो सामने वाले के दिमाग में उसके ब्रेन में पहले से क्या छपा हुआ है उससे वो रिलेट करता है, उसका अर्थ निकालता है। तो फिर हमको क्लियर करना पड़ेगा कि मैं जब बोल रहा हूँ तो उसका क्लियर अर्थ क्या है, नहीं तो सामने वाले को जो अर्थ समझ में आया वो समझ लेगा।
और फिर प्रॉब्लम होगा। तो जब भी कभी हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अभी आज मतलब हम देखते हैं तो इतनी सारी भाषा है, 6 अरब भाषा है ये दुनिया में है, हमको तो बहुत कम आती है, और हर 30 किलोमीटर में या 50 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, ऐसा बोला जाता है, भाषा का रूप बदल जाता है, उसका अर्थ बदल जाता है। तो फिर हमको बिल्कुल तोल मोल के बोल बोलना चाहिए, और जो मैं बोल रहा हूँ वो सामने वाले को क्या लैंड हुआ, क्या समझ में आया, मैं जो बोल रहा हूँ वही अर्थ उसको समझ में आया क्या, वो भी मैंने कन्फर्म करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। थैंक यू वेरी मच।